नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है। अब आप सभी अपने मैथ्स और रीजनिंग के तमाम डाउट्स हम तक भेज सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर जो क्रम दिया गया है वो उल्टा पुल्टा है, इसे हमें सही क्रम में सजाना है। पुलिस दिया गया है, उसके बाद सजा, फिर है अपराध, उसके बाद है जज और निर्णय। तो सबसे पहले हमें पता लगाना है कि आएगा क्या। तो पुलिस पहले पहले ही पकड़ के ले जाती है क्या? नहीं। सजा पहले होती है? नहीं। जज पहले ही अपना न्याय सुनाता है या निर्णय पहले होता है या फिर अपराध पहले होता है? तो किसी भी प्रकरण में सबसे पहले क्या होता है? अपराध। तो ये आएगा पहले नंबर पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपराध 3। उसके बाद अपराध के बाद क्या होता है? अपराध जब भी होता है फिर आती है पुलिस। यहाँ पर ये ऐसे हुआ है कि पहला अपराध किया गया है, किसी को मार दिया गया है, हत्या हुई है, तो अपराध पहले होता है, उसके बाद पुलिस आती है। फिर क्या होता है? उसके बाद पुलिस तो पकड़ के ले जाती है, फिर जज जो है वो अपना न्याय सुनाता है। तो ये आएगा 4। अब जज जैसे ही अपना निर्णय लेता है, निर्णय होता है, तो यहाँ पर आएगा 5। और निर्णय लेने के बाद ही क्या होती है? सजा। तो आएगा लास्ट में 2। अब हम मिला लेते हैं कि ये कहाँ पे दिख रहा है। 3 वाला ऑप्शन ये है और ये है, तो 3 के बाद 1 है, 4 है, ये वाला ऑप्शन कट हो गया और ये तो है ही नहीं और ये भी नहीं है। अब बचा 3 1 4 5 2, 3 1 4 5 2, यही है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे ही आपको प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।